धरती पर गिरते किस तरह से तड़पते हैं उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बिना सर के वो धड़ दो कदम तक चल करके जमीन पर गिरता है। फिर एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके तमाम मेरे साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। कमांडर था, उसने बोला इनको रिजेक्ट तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान आकर के हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर बूट की ठोकरें और गोलियां दागने लगे। मैं आंखों से देख भी रहा था, सह भी रहा था। जब गोलियां बॉडियों में लगती थी तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मुझे यहां पर गोलियां मारी, फिर पैर में दो जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है, उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। कोई यकीन हो गया कि इनमें से कोई जीवित ही नहीं। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर बूट की ठोकरें, पत्थर, गालियां, बहुत देर तक ये करते रहे। सब कुछ बड़ा सहता रहा। उसके बाद उनके कमांडर ने बोला कि इनके हथियार उठा लो। वो दोबारा से गोलियां मारने लगे और हथियार उठाने लगे। तब तक अपने मन और मस्तिष्क समय एक दृढ़ संकल्प कर लिया, जो दूसरा पी बता रहा हूं मैं। पहला पी क्या था? पर्पज। और दूसरा पैसन, वो जुनून हो रहा है ना। और तीसरा पी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस तीसरा पी। क्योंकि जब आप में जुनून होगा, पैसन होगा, तो अपने आप आपके अंदर क्षमताओं का सागर उमड़ उठेगा। आपके अंदर इंटरनली एनर्जी इतनी बढ़ती हुई चली जाएगी कि सब कुछ छोटी छोटी चुनौतियां भी, बड़ी चुनौतियां भी छोटी दिखने लगेंगी। तो एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी ना, तो मैं जिंदा रहूंगा, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए। और सच मानिए नौजवान साथियों, अगर वो विश्वास ना किया होता और दृढ़ संकल्प ना किया होता, तो आज मैं आपके सामने भी नहीं खड़ा हुआ। वो आए दोबारा से गोलियां मारने।